हमने मेहनत की और पूर्व विधानसभा के लिए जितनी हम कोशिश कर सकते थे हमने की। अब अल्लाह की मर्जी थी कि हम 1000 वोटों से रह गए। अब ये हमें सोचना है कि ये जो 1000 वोट हमारे काटे गए हैं, ये किन किन लोगों की वजह से काटे गए हैं, कौन है वो लोग। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM के इम्तियाज जलील को BJP उम्मीदवार अतुल मुनेश्वर ने 2139 वोटों से हराया है। हाँ, ये खबर सच है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब हार गए हैं, क्योंकि उनको हराने के लिए 17 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें से वंचित बहुजन आघाड़ी से अशफाक खान, समाजवादी पार्टी से अब्दुल गफ्फार कादरी, उसके बाद निर्दलीय शहबाज खान, ऑल इंडिया मजलिस इंकलाबे मिल्लत ईशा यासीन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इम्तियाज जलील साहब को हराने के लिए खड़े हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नाम अफसर खान वंचित बहुजन आघाड़ी और गफ्फार कादरी समाजवादी पार्टी से ये हैं। बता दें कि अब्दुल गफ्फार कादरी 5839 वोट पाए, वहीं अफसर खान 6437 वोट पाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील 2139 वोटों से BJP से हार गए हैं।